এর নাম দিশা। এই দেখো এই একটা ফটো, এটা আমার বোনের মেয়ে, আর ওই একটা দেখো কি সুন্দর না, কিতনা আচ্ছা দিখ রা না। আব মে উসকো দিখাতি হুঁ, ও দিশা কো দিখাতি হুঁ। ও দিশা কিতনা বড়ি হো গই দেখো, চেহারা ভি চেঞ্জ হো গিয়া। ये दिशा की मम्मी है, वो देखो वो देखो बेटे। ये रेहान है माँ, आई देखो रेहान, रेहान भालो करे गला जुड़े बस मार। एरम करे एरम कर तो आई ओटे देखो, ओटे आमार माँ, ओई जो बसा आछे ओई ए देखो। एकटा आमाके भालो भालो करते दे ना, एटा दिशार चाचार मेये लड़की है। ये देखो ये दिशा का पापा, बाय कर बाय। कोलकाता स्टाइल समोसा क्या क्या लिया आप तुमने? आधा किलो मैदा, ये तसा चीनी जरूर पड़ेगा, जब भी कोकोनट को छाई बोलते हैं। क्या करेंगे? ग्रेट, हाँ चीनी डाल के वो बनाएंगे, बाद में बताते हैं। चलो अभी मैदा छान लेते हैं। मैदा छान लेती हूँ, वो एक्टिविटी मैदा छानने के बाद में आपको बताते कैसे करके कोलकाता स्टाइल सब बताएंगे आप लोग को। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो बाद में आपसे फिर वापस मिलते हैं। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे। तो आज और एक एक नया आपके साथ रेसिपी लेकर आ गए, वो है कोलकाता स्टाइल। कोलकाता स्टाइल नाम आपको बाद में बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहो कैसा करके, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कोलकाता स्टाइल कैसा करके जो बन रहा है कैसा करके बनाते हैं। तो अभी क्या करने वाले हो? मैदा भिगाने का छान लिया। मैदा भिगाने के छान लेंगे तो सारा नमक, कितना नमक दिया अपने हिसाब से नमक देना, क्वांटिटी नमक का कोई वो नहीं है, अभी स्वाद अनुसार नमक। चलो मैं आज जो मैदा भिगाने का है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगाने का, एक साथ में नहीं डालने का क्योंकि वो बहुत गीला हो जाता है। चलो मैदा भिगा लेती हूँ मैं। मैदा भिगाने के बाद में आपसे मिलते हैं, कैसे करके भिगाते वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लो। मैदा छान के कंप्लीट हो गया है, अब एक एक करके अपना जो लीची है वो बाद में काटेंगे। 10 मिनट रेस्ट करेंगे, 10 मिनट। अच्छा हाँ, 10 मिनट रेस्ट करने के बाद उसका लीची कट करेंगे, बाद में सब रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग साफ कर देंगे। अभी ये देखो कोकोनट को मैंने 2 टुकड़ा कर लिया है, ये देखो कितना ताज़ा ताज़ा, देखो कितना फ्रेश है, मीठा भी है। अभी इसको ग्रेट करेंगे, कैसा करके करते आप लोग को बताएं। इतना अच्छा है, अरे पानी पीने से ना पेट भी ठंडा होता है। जो है दराती इसको पोछ लेंगे ताकि दराती ने कुन्नी बोलते हैं कलकत्ता में, इसको कुन्नी बोलते हैं। तो अभी देखो अभी ये नारियल मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अभी मैंने हाथ हाथ क्यों नहीं धोई मालूम, एक चले सब काम करके फिर हाथ धोऊंगी। ये देखो इधर नारियल ऐसा ग्रेट करते, आप लोग भी तो करते हैं, देखो हम लोग तो भी आप लोग की जैसा ही है। 5 मिनट तक रेस्ट हो गया है, अब इसको इसका लीची कट कर लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे लीची कट करना है हम लोग को, ऐसा छोटा छोटा कर लेने का। इसको वो कर लिया, अब इसको बेल लेंगे, कैसे करके बनाते वो भी आप लोग को देखने मिलेगा। घर में बने रहो तो सब देखने मिलेगा। देखो कढ़ाई में कोकोनट डाल दिए, शुगर भी डाल दिए,
देखते रहो पूरे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, फिर से करके मिक्स करते थे इसको, इसको छाई बोलते। तेजपत्ता डाल दिए देखो, हाँ एक तेजपत्ता दिए खुशबू होने के लिए। उसको भी इसमें कोटिंग भर लेंगे, बेल लिए, बेल लिए अब कोटिंग भर लेंगे। आप लोग को इसको कितना भर के डालना है, भर के रखना है आप लोग जितना, देखो आपके हिसाब से आपको जैसा फोल्ड करना है आप लोग उसके हिसाब से फोल्ड करके आप लोग डाल सकते हो। अभी मैंने एक डिजाइन वाला बनाएंगे, ये देखो इसका एक कवर मिलता है उसमें डालने से खूबसूरत बन जाता है। ये हाथी, हाथी अपना इतना अच्छा डिजाइन बनता है तो कवर से इतना अच्छा बनेगा, जरूरत ही नहीं है। देखो कितना अच्छा बन गया, ये देखो कितना अच्छा से बना लिया एक, कितना जबरदस्त लग रहा है एकदम। अब इसको फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई नहीं होगा, इसको डीप फ्राई करेंगे, सॉरी सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। हवा गर्म हो गया है अब एक एक करके चूल्हे में पक रहा है। देखो पहला कितना अच्छा, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। ये देखो अब एक एक करके उसमें इसको डाल देंगे, छोटा बल के चार ही जाता है। अब एक एक करके पलट देंगे, आपको दिखाई नहीं थे, ये देखो कितना अच्छे से वो उसका फूक रहा है। उसको पलट देंगे, कितना इजीली पलटाने के लिए हो जाता है। डाल देंगे उसमें, क्योंकि शैलो नहीं होगा ना, डीप फ्राई नहीं होगा तो उसे शैलो फ्राई करने के लिए अपने को थोड़ा थोड़ा घी डालना ही पड़ता है उसमें, ताकि एकदम अच्छी तरह से अंदर से एकदम अच्छी तरह से पक जाए वो। पक करके इसे निकाल लेंगे, रेडी हो गया, माशाल्लाह रेडी हो गया है। कितना अच्छा है देखो, कितना अच्छा मस्त जबरदस्त अंदर पूरा भरा हुआ। देखो मसाला देखो कोकोनट का। तो चलो ये कोलकाता स्टाइल नारियल का रोटी समोसा, ना नारियल का समोसा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और नया नया रेसिपी कोलकाता स्टाइल आप लोगों को देखने मिले। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। मैं अभी नानी के घर पर आई हूँ तो आप लोग को ये सब देखने मिलेगा, कोलकाता स्टाइल जो भी बनेगा आप लोगों को सब देखने मिलेगा। चलो वीडियो इधर एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।